वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए। तो आज का आंसर राइटिंग सीरीज में आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है कि जो डिफरेंट स्टाइल के टेंपल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताना है। तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे? इंट्रो में आपके वो पॉइंट्स होंगे कि टेंपल कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें लिखोगे। एंड देन उसके बाद आप लिखोगे कि कौन से थ्री और फिर मेडिवल टाइम में कैसे रहा, फिर थोड़ा थोड़ा आप बस जिस्ट प्रोवाइड करोगे, फिर कितने टाइप्स के हैं वो सारे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, तीन तरह के हैं। एंड देन उसके बाद सेपरेटली एक एक स्टाइल को लेंगे और उसको जो है अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फिर और हर स्टाइल के, जैसे नागरा स्टाइल आपने बताया, तो इसके साथ आप इसका इमेज भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूजन। और अगर इसमें पूछ लेता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नागरा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल, तो भी आपको इस पूरे आंसर से आप ये भी आंसर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपका। इंट्रो आते हैं तो देखिए, मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल रिमेन्स डेट सर्वाइव फ्रॉम एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया आर क्या थे, रिलीजियस इन नेचर थे, क्योंकि वो रिलीजियस फॉर्म में थे। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ टेम्पल वॉज रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से जो ये स्टाइल्स जो डेवलप हुए हैं वो, मतलब अलग अलग जो रीजन में अलग अलग स्टाइल्स डेवलप हुए हैं वो किसकी वजह से ऐसे डेवलप हुए। तो वो एक तो ज्योग्राफिकल वहाँ के फीचर्स जो थे, वहाँ की जो एथनिक कम्युनिटी थी, और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज, ये तीन पे जो बेस्ड था ये जो भी आर्किटेक्चरल जो है इवॉल्व हुए हैं स्टाइल्स, वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हो कि टेंपल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ गुप्ता पीरियड में, ठीक है, गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल डाल सकते हो दस अवतारा टेम्पल, ठीक है, जो कि ललितपुर में है। तो ये थोड़ा आप एक्स्ट्रा इसमें इंट्रो कर सकते हो, वरना ये इंट्रो आपका सफिशियंट है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर है, तो नागरा हो गया नॉर्थ में, देन द्रविड़ा हो गया साउथ में। वैसे तो ग्रेजुअली देखा जाए तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट है, और वेसरा स्टाइल जो है वो इन दोनों का मिक्स है, ठीक है, नागरा और द्रविड़ा स्टाइल का। तो अब देखेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या है हिंदू टेम्पल्स के, क्या क्या बेसिक फीचर्स है वो पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम नागरा और द्रविड़ा स्टाइल देखेंगे, और फिर देखेंगे कि रीजनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये ऑल इंक्लूसिव आंसर है, तो अगर आपको रीजनल लेवल पे पूछता है या फीचर्स पूछते हैं तो आप सारा ही इसके थ्रू आप आंसर कर सकते हो। तो हमारा यही मकसद रहता है कि आपको जो भी आंसर्स प्रोवाइड किया जाए उससे आप चार से पांच क्वेश्चंस जो है उस आंसर से आप लिख सकते हो, ठीक है, चार से पांच क्वेश्चन के आंसर्स आप उससे लिख सकते हो। तो देख लेते हैं पहले फीचर्स क्या है हिंदू टेम्पल के। तो सबसे पहला फीचर है कि सैंक्टम होता था, जिसको गर्भगृह कहते थे, वुम्ब हाउस जहाँ पे मेन डीटी रखे जाते थे, ठीक है, इसके ऊपर ही तो ये बनता था आपका, ठीक है, शिखर वगैरह, ठीक है, गर्भगृह जो कि जहाँ पे मेन डीटी रखे जाते हैं, वो क्यूबिकल विद सिंगल एंट्रेंस होता था, मतलब एक ही जगह से उसमें जो है एंटर कर दिया जाए। आप कभी मंदिर जाइए तो जो मेन डीटी रहते हैं वहाँ पे जाने के लिए बस एक एंट्री होता है, ठीक है, विच ग्रू इंटू लार्जर चैम्बर इन टाइम, जो टाइम के साथ साथ बड़ा होता चला गया। यहाँ पे जो है मेन आइकन को रखा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, तो एंट्रेंस जो आपका गेट बनता है, ठीक है, इट मे बी पोर्टिको और कोलोनेटेड हॉल दैट इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर, और इसको क्या बोलते थे, मंडप। तो ये किस तरीके से होता था, इस शेप में होता था, ठीक है, जैसे ये मेन टेम्पल हो गया, अब जो इसके पीछे बनता था वो इस तरह से शेप में दिया जाता था, फाइन।
उसको क्या बोलते थे, मंडप। फिर उसके बाद ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल टेंड्स टू हैव अ माउंटेन लाइक स्फीयर। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से होता था, माउंटेन लाइक स्फीयर बनते थे। इट कैन टेक शेप ऑफ कर्विंग शिखर, जो कि नॉर्थ में हम देखते थे शिखर, ठीक है, जो कि कर्व शेप होता था, जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये देखिए ये है आपका कर्व शेप, जो कि ये मेन डीटी हो गया, ये आपका हो गया मंडप, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका मंडप होगा, ठीक है, ये भी आपका मंडप हो जाएगा। तो देखिए ये किस तरह से हिल की फॉर्म में उठा हुआ है, जो कि क्या है, कर्विलीनियर शेप है इसका, ठीक है। और पिरामिडल टार, उसको विमाना कहते थे, जो नॉर्थ में होता था उसको शिखर कहते थे, ये विमान जो है उसी को शिखर कहते थे नॉर्थ में, और जो साउथ में है उसको विमान कहते थे, जिसका क्या, जो कौन सी शेप में था, पिरामिडल टार। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पिरामिड शेप में है, ठीक है, इसके अभी जो मंडप भी बनता है उस पर भी ऐसे पिरामिडल फॉर्म दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद वाहन, वाहन मतलब जो जैसे शंकर भगवान का वाहन हो गया काऊ नंदी जी, ठीक है, तो वहां पे मेन डोर के आगे जहां पे गर्भगृह होता था उसके आगे क्या वाहन भी उनके रखे जाते थे। इट इज अ वाउंड माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल डीटी, ठीक है, मतलब वो जिसपे चलते थे वो उसको व्हीकल बोला गया। अलॉन्ग विद अ स्टैंडर्ड पिलर और ध्वज इज प्लेस एक्सिलरी फ्रॉम द सैंक्टम। नेक्स्ट देखते हैं, फिर अब आपका ये आपने फीचर्स बता दिए, मतलब मेन जो फीचर्स होते हैं टेम्पल के वो क्या होते हैं, एक तो आपका सैंक्टम हो गया, एंड देन आपका गेट हो गया, एंट्रेंस हो गया जहाँ से एंटर करते हैं, एंड देन वाहन। ये तीन चीज़ें जो है आपको हर टेम्पल्स में मिलेंगी, चाहे वो नागर स्टाइल हो और चाहे आपका वो द्रविड स्टाइल हो, तो आपको दोनों ही जगह ये तीन चीज़ें मिलेंगी। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस और मेन मेन जो उसका वो है वो देखेंगे। फिर नागर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, देखिए एक तो ये किस पे बना है, स्टोन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, इट डज नॉट यूजुअली हैव, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो साउथ के टेम्पल्स हैं उसमें जो होते हैं बाउंड्री वॉल्स होते थे, जैसे ये बाउंड्री है ना, इस तरह से पूरा बाउंड्री रहता था, लेकिन नॉर्थ वाले टेम्पल में जो है बाउंड्री वॉल्स नहीं होते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि नॉर्थ टेम्पल में इलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होते थे। वाइल द अर्लियस्ट टेम्पल्स हैड वन टार, एक ही टार होता था जिसको शिखर बोलते थे, लेटर टेम्पल्स है बहुत सारे, एक पे ही बहुत सारे, जैसे ये बनाया गया इसी के ऊपर यहाँ भी एक टार निकाल दिया गया, फिर यहाँ भी निकाल दिया गया, तो इस तरीके से बहुत सारे शिखर एक ही टार पे बन जाते थे बाद में, लेकिन अर्लियर में क्या थे, एक ही टार बनते थे, ठीक है। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टार, तो ये जो सबसे टॉल वाला है, ये सबसे टॉल वाला यहाँ पे, ये है आपका गर्भगृह, गर्भगृह ये छोटा वाला पॉइंट हो गया, यही पे जो है आपका मेन डीटी रखे जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मेनी सब डिविजन्स ऑफ नागरा टेम्पल डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द शिखर, तो जिस तरह का शेप होता था उसी तरह का उसको सब डिविजन में कर दिया गया है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर द वेरियस पार्ट ऑफ द टेम्पल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नाम रखे गए हैं डिफरेंट पार्ट्स में जो रहते थे, जो टेम्पल्स हैं उनके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। द मोस्ट कॉमन नेम फॉर द सिंपल शिखर का नाम क्या था, जो कि स्क्वायर था, बेस से एक स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, एंड हुज वॉल्स कर्व स्लोप इनवर्ड की टाइप में जो है स्लोप इस तरह गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, लैटिना और रेखा प्रसाद, ठीक है, उसको लैटिना या रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर कहते थे। तो आप इन चीजों को ना ऐसे हाईलाइट कर दोगे पेपर में जब लिखोगे। फिर देखते हैं सेकेंड मेजर टाइप क्या है, फामसा, फामसना, ठीक है, इसमें क्या होता था, जो आपका बेस था वो थोड़ा ब्रॉडर था और शॉर्टर, जैसे अगर लैटिना में ये है बेस और ये थोड़ा लंबे में गया है, तो ये क्या होता था, इसका बेस थोड़ा ब्रॉड हो जाता था एंड ये शॉर्ट था थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, उसको बोलते थे फामसना। थर्ड टाइप जो है आपका वल्लभी टाइप है, ठीक है, इसमें ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद अ रूफ
दैट राइजेस इंटू अ वॉल्टेड चैम्बर की तरह होता था, वॉल्टेड चैम्बर इस तरह से कुछ वोल्ट फॉर्म में होता था, ठीक, उसको बोलते थे वल्लभी टाइप। तो ये तीन टाइप आपको मिल गया, सब डिवीजन शिखर का है ये सब डिवीजन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। द क्राउनिंग एलिमेंट्स अम्लक एंड कलश, ये कहाँ होते थे, ये है आपका अम्लक, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका अम्लक है, इसी के ऊपर कलश रखा जाता था, तो इसी की बात कर रहा है। तो अम्लक और कलश आर टू बी फाउंड ऑन ऑल नागरा टेम्पल, ठीक है, नागर टेम्पल पे आपको अम्लक और कलश भी मिलेंगे। अब जैसे हो गया एग्जाम्पल, देवगढ़ टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली 6th सेंचुरी, ठीक है, जबकि लेट गुप्ता पीरियड के टाइम पे। दिस टेम्पल इज कहा पंचायतन स्टाइल है, पंचायतन स्टाइल क्या होता है, मतलब आपका हो गया एक, ये मान लेते मेन डीटी है, तो इनके यहाँ पे एक दो तीन चार, चार ये हो गए, एक ये पांच, पंचायतन स्टाइल इसको बोलते हैं। खजुराहो टेम्पल ऑल्सो नोन फॉर देयर, अब जैसे खजुराहो टेम्पल जो है, एक तो वो कहां पर है, एमपी में है, ठीक है, वहां पे ये भी जो है नागर स्टाइल में है। एक तो वहां पे हिंदू टेम्पल है एज वेल एज वहां पे जैन टेम्पल भी देखने को मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे इरोटिक इमेजेस जो है टेम्पल के शिखर पे बनाए गए हैं या उनके वॉल्स पे इरोटिक इमेजेस जैसे कि कार्व कर किए गए हैं, ठीक है, स्टोन्स पे, उसी को बोलते हैं इरोटिक इमेजेस बनाए गए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं व्हाइल पालास आर सेलिब्रेटेड एज पैट्रोन ऑफ, पालास जो थे वो बुद्धिस्ट को ज़्यादा पैट्रोन करते थे, तो जो उनका स्टाइल जो डेवलप हुआ था उसको बोलते हैं वांगा स्टाइल, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको गेन होंगे। इन द मुगल पीरियड एंड लेटर, अब मुगल पीरियड में आ गया बाद में, उसके स्कोर्स ऑफ टेराकोटा ब्रिक टेम्पल्स वॉज बिल्ट अक्रॉस बंगाल एंड बांग्लादेश। अब मुगल पीरियड और उसके बाद में क्या देखा गया कि जो टेम्पल्स बनते थे वो आपके किसके, टेराकोटा के बनाए जाते थे, ठीक है। इन्हें यूनिक स्टाइल डैट हैड एलिमेंट्स ऑफ लोकल बिल्डिंग टेक्निक सीन इन बैम्बू हट्स, ठीक है। तो वहां के आसपास रीजनल की नीड के हिसाब से वहां पे टेम्पल बनना शुरू हो गया, और वो किसका बनता था, टेराकोटा का, फाइन, क्योंकि एक तो बैम्बू हट्स के शेप में बनता था, क्योंकि लाइक अगर बैम्बू से बनाए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह का रहता था, तो इस वजह से उस तरह से जिस तरह सा नीड होता है वैसे ही वो चेंजेस हो जाते थे। अब ओडिशा में देख लेते हैं, ओडिशा में आपका यहाँ का जो है मेन फीचर, द मेन आर्किटेक्चर फीचर ऑफ ओडिशा टेम्पल्स आर क्लासिफाइड इन टू, तीन ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया, रेखा प्रसाद आपका मेन शिखर हो गया, पिधा देवल एंड खाखरा, ठीक है, जो ये मंडप हो गया आपका और एंट्रेंस उसको बोलते थे यहाँ पे ओडिशा में, इसको इस नाम से जानते थे। तो देखिए शिखर को क्या बोला गया, द्योल, ओडिशा में इज वर्टिकल ऑलमोस्ट अंटिल द टॉप व्हेन इट्स, जैसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रीजनल टेम्पल के बारे में बताओ, ईस्टर्न रीजनल टेम्पल, वेस्टर्न रीजनल टेम्पल, या फिर किसी एक जगह का नाम दे दिया गया, तो इसलिए ये मैंने बोला ना ये आंसर ऑल इंक्लूसिव है, इसमें आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप सभी आंसर्स अच्छे से लिख सको जो भी टेम्पल से रिलेटेड हो। देख लेते हैं, तो इसमें शिखर को क्या बोलते थे, द्योल, इज वर्टिकल ऑलमोस्ट अंटिल द टॉप व्हेन इट सडनली कर्व्स, पहले तो ये वर्टिकल होता था फिर सडनली ये क्या होता था, कर्व हो जाता था, ठीक है, इनवर्ड्स। ड्योल्स आर प्रिसीडेड एज यूजुअल बाय मंडप्स, जिसको जगमोहन बोलते हैं, मंडप को क्या बोलते हैं वहां पे, मंडप इक्वल टू जगमोहन इन ओडिशा। ओडिशा टेम्पल यूजुअली हैव बाउंड्री वॉल्स, हमने क्या पढ़ा था आगे पीछे, क्या पढ़ा था कि बाउंड्री वॉल्स नागर स्टाइल टेम्पल में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन ओडिशा के जो टेम्पल्स है वहां पे क्या है, बाउंड्री वॉल्स आपको देखने के मिलेंगे। तो ये रीजनल लेवल पे अगर आप जाओगे ना तो कुछ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिल टेम्पल्स, देख लेते हैं कि जो पहाड़ों में जो टेम्पल्स बसे हैं वो कैसे बने गए हैं। तो यूनिफॉर्म है, जैसे कि हिल हो गया कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल, और यहाँ पे कश्मीर से प्रॉक्सिमिटी टू प्रोमिनेंट गांधार साइट्स, गांधार साइट से ज्यादा प्रोमिनेंट है। लेंट
द रीजन एज अ स्ट्रॉन्ग गांधार इंफ्लुएंस देखा गया फ्रॉम द बाय द 5th सेंचुरी, जो वहां पे कश्मीर के टेम्पल्स बने हुए हैं वहां पे गांधार स्टाइल का ज्यादा इंफ्लुएंस देखने को मिलता है. द हिल्स ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग विद पिच्ड रूफ. पिच्ड रूफ मतलब कि इस तरीके से ऐसे रूफ बनाए जाते थे कि अगर कोई आइस आए, मतलब आइस स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नोफॉल जो है नीचे गिर जाए, ना कि अगर इस तरीके से रखा जाएगा पिरामिड शेप में तो क्या होगा कि वो वहीं पे ठहर जाएगा जितने भी स्नोफॉल्स होंगे. या फिर हम इस तरीके से ले ले शिखर, तो इसमें भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो आइस वहाँ पे आपका जम जाएगा. तो वो इस तरह के रूफ जैसे बनते हैं ना, ऐसे नीचे लटकते हुए रूफ ऐसे करके, ताकि जो आइस से वो स्नोफॉल हो वो सब नीचे गिरता चला जाएगा. बारिश भी हो तो बारिश का पानी भी नीचे आ जाए. तो इस तरीके से रीजनल लेवल पे जिस तरह का नीड होता है वो उस तरह बनता. और यहाँ पे आपके वुडन बिल्डिंग्स बनते थे. क्यों वुडन? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सबका ज्यादा डर रहता है. तो ये कब बिल्डिंग्स टूट जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए वुडन बनाया जाता है कि लोगों को इससे हार्म भी नहीं हो. एट सेपरेट प्लेसेस इन द हिल बाय द मेन गर्भगृह और शिखर आर मेड इन द रेखा प्रसाद और लैटिना स्टाइल. लैटिना स्टाइल मैंने बताया था नीचे से क्या होता है स्क्वायर एंड देन ऊपर जाके कर्वोलिनियर, ठीक है. तो वही देखा गया है कि जो शिखर और या फिर गर्भगृह जो क्या बनता है वो लैटिना स्टाइल में बनता है. द मंडप इज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ वुडन आर्किटेक्चर. और मंडप जो है ओल्डर फॉर्म, जैसे वुडन का बनता था वैसे ही बनाया जाता है. ओके चलिए, ये आपके थे नॉर्दर्न स्टाइल के. आपको सारे रीजन का भी बता दिया गया, नागर स्टाइल, एंड देन उसके बाद हमने आपको ईस्टर्न रीजन का भी बताया, ठीक है, देन हिल का भी बता दिया. ओके चलिए अब देखते हैं द्रविड स्टाइल और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल. तो द्रविड टेम्पल इज एनक्लोज्ड विद कंपाउंड वॉल. मैंने बताया ही थे कि बाउंड्री वॉल आपको मिलते हैं. द फ्रंट वॉल हैज एन एंट्रेंस गेटवे इन इट्स सेंटर विच इज नोन एज गोपुरम. चलिए गोपुरम देख ले. तो ये आपका है गोपुरम. ये गोपुरम इतने बड़े बड़े वहां पे बनवाए जाते थे. अब क्यों वो इतने बड़े? क्योंकि वहां पे दिखाए जाते थे कि एक किंग की अथॉरिटी कितनी है उस जगह पे. उस हिसाब से ये गोपुरम का गोपुरम की हाइट भी हुआ करती थी, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है. इसमें गोपुरम आपने पढ़ा, नॉर्थ में गोपुरम नहीं बनता था, मंडप वगैरह रहता, लेकिन गोपुरम कहीं भी हमने नहीं पढ़ा. द शेप ऑफ द टेम्पल टार नोन एज विमान. जहां वहां पे हम क्या बोलते थे नॉर्थ में शिखर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे विमान, जो कि कौन से शेप में होगा पिरामिडल. नेक्स्ट आते हैं, इट इज कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वायर. ठीक है, ये एक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर डिफरेंस आपका आता है तो आप डिफरेंस में क्या क्या लिख सकते हो, पहले एक बार हम खत्म कर लेते फिर डिफरेंस बताते हैं. देखिए वाटर रिजर्वायर, ठीक है, आपको देखने को मिलता है साउथ में. सब्सिडरी स्ट्रीम्स आर इधर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मेन टेम्पल और लोकेटेड एज डिस्टिंक्ट सेपरेट स्मॉल स्ट्रीम बिसाइड द मेन टेम्पल. इसको आप पंचायतन स्टाइल भी बोल सकते हो, ठीक है. दीज आर बेसिकली ऑफ 5 डिफरेंट शेप, ठीक है. ये इनका जो शेप होता था वो 5 डिफरेंट शेप का, स्क्वायर यूजुअली कॉल्ड कुटा और कटुशारा, रेक्टेंगुलर और शाला और आयस्तकार, मतलब वो जो गर्भगृह का शेप होता था वो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको. आयतासार, इलिप्टिकल कॉल्ड गजा प्रिस्ता और एलिफेंट बैग्ड और ऑल्सो कॉल्ड रितायता, डराइविंग फ्रॉम वैगन वॉल्टेड शेप्स ऑफ एप्सिडल चैत्याज विद अ हॉर्स शू शेप्ड एंट्रेंस फैकेड यूजुअली कॉल्ड अ नासी. फिर सर्कुलर को क्या वृत्ताकार, ऑक्टागोनल को अस्तरा, एंड देन उसके बाद ये आपको सारा शेप बताया गया है डिफरेंट शेप के जो गर्भगृह होते थे. फाइन, तो ये आपका हो गया पूरा नॉर्दर्न टेम्पल एंड देन सदर्न टेम्पल. अब अगर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस लिखो दोनों में, जैसे कि नागरा स्टाइल में, नागरा स्टाइल एंड आपका द्रविड़ा, पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा शिखर के शेप में. पहले तो यहां पे क्या बोलते हैं शिखर, यहां पे क्या बोलते हैं विमान.
शेप कर्विलीनियर पिरामिडल। फिर उसके बाद कर्वी हो गया, शिखर हो गया, एंड देन बाउंड्री वॉल। यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं होता, यहाँ पे बाउंड्री वॉल होता है। वाटर रिजर्वॉयर यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर होता है। फिर गोपुरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला और यहाँ आपको देखने को मिला गोपुरम। तो ये कुछ कुछ आपके जो है डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट में, कंक्लूजन देख लेते हैं। टेम्पल्स जो कि, और सुनिए, ये इमेज आपका जो है, ये जो दोनों इमेज है, जब आप नागा स्टाइल बताओगे तो आप उसके नीचे ये इमेज बनाओगे, एंड जब आप द्रविड़ स्टाइल बनाओगे तो उसके नीचे आपका ये इमेज बनेगा। कंक्लूजन देखते हैं। टेम्पल्स आर नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग द रिलीजियस स्ट्रक्चर। टेम्पल्स सिर्फ और सिर्फ, बाद में देखा गया कि टेम्पल्स जो है सिर्फ रिलीजियस स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं रह गए, बट ऑल्सो स्पेस फॉर मैनी अदर आर्ट फॉर्म्स के लिए भी वो बन गया सर, जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। एंड 10th century ऑनवर्ड्स क्या देखा गया, टेम्पल्स बन गया, बिकेम अ लार्ज लैंड ओनर। टेम्पल्स बिकेम अ लार्ज लैंड ओनर्स एंड परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एज वेल। एक तो जो टेम्पल्स में रहते थे उनको क्या, उनको पास बहुत ज़्यादा लैंड होने लगा, तो लैंड को भी अपने अंदर लेने लगे, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में भी उनको देखा गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अगर देखा जाए तो चोला के टाइम पर देखा गया था, ठीक है। मार्केट डेवलप हो गया था चोला के टाइम पर, चोला पीरियड के टाइम पर जो है टेम्पल्स में जो है मार्केट वगैरह भी डेवलप होता था। और द्रविड स्टाइल कब अपने हाई पीच पे पहुंचा, हाई पीक पर, तो वो पहुंचा आपका चोला पीरियड में। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया है मैंने, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो बृहदेश्वर टेम्पल, साउथ इंडिया का, बाकी और साथ मैंने डाल कर ही दिया है भाई। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आई एम क्लियर विद द आंसर, ठीक है। तो आप, ये ऑल इंक्लूसिव आंसर है। चलिए देन, थैंक यू।